बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं कोकोनट लड्डू, बहुत ही जल्दी बनने वाले, बहुत ही आसान। इसके लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए हमें, 1 टीस्पून बटर है तो बटर ले लें, देसी घी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ऑयल भी ले सकते हैं, ये देखिए। ये डालने के बाद हम ऐड कर रहे हैं 1 कप पिसा हुआ कोकोनट। इसको अच्छे से हम इसमें सॉफ्ट कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम इसमें भून लेंगे, ठीक है। लो फ्लेम पे मैंने बिल्कुल रखा हुआ है, चलो बिल्कुल लो फ्लेम है। अच्छा जी, ये 2 से 3 मिनट देखें, ये अच्छा सा जज्ब हो गया जो थोड़ा सा हमने ऐड किया था। अब इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क, सॉरी कोकोनट मिल्क नहीं, कंडेंस मिल्क। ये देखें, ये मैं पूरा नहीं ऐड करूँगी इसमें, और चूल्हा बंद नहीं करना हमने। इतना डालना है कि इसके बॉल्स बन जाएं छोटे छोटे, ना ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़। और यहाँ हमने 1 से 2 मिनट इसको पकाना भी है, ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 1 to 2 मिनट। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसके हम बॉल बनाएंगे, ठीक है। चलें जी, रूम टेम्परेचर का हो गया है हमारा कोकोनट बॉल का मटेरियल। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, हाथों पे ऐसे ग्रीस कर लिया, ये देखें। और ये छोटा सा बिल्कुल, ये ऐसे हम इसको लड्डू बना लेंगे छोटा सा। ये देखिए, छोटा सा लड्डू बन के रेडी है बिल्कुल, ये देखिए। और यहाँ मैंने एक जगह कोकोनट ड्राई ले लिया, इसको हम ऐसे इसमें रोल कर लेंगे, दैट्स इट। ये देखें, मज़ेदार सा कोकोनट लड्डू एक हमारा रेडी है। मैं अब बाकी रेडी करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, झटपट से बन के कितने सारे माशाल्लाह लड्डू रेडी है। ये क्विक मीठा है, जल्दी से बनाए, ना ज़्यादा मेहनत है, ना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए जी, ये इसके फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।